दोस्तों टैंक में टैंक कनेक्शन निप्पल फिटिंग करने के लिए होल करने का आसान तरीका देख सकते हो। मैं कैसे होल कर रहा हूँ टाँकी में। पहले तो आपको जो टैंक कनेक्शन निप्पल का चेक नट होता है वो ले लेना है और अंदर ही अंदर पेन या पेंसिल से मार्किंग कर देना है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे करूँगा जो टाइल होल करने के लिए या पत्थर होल करने के लिए जो पाना आता है उससे मैं होल करूँगा। कोर कटिंग पाना बोलते हैं इसको। तो आप लोगों को और भी आसान अगर करना है तो आप लोगों को प्लाई कटिंग करने का, प्लाई होल करने के लिए जो पाना का इस्तेमाल होता है प्लाई होल करने के लिए, उसका हर एक साइज़ का मिल जाता है। 100 इंच का, 1/2 इंच का, 1.5 इंच का, आप जितना का मांगो उतना का मिल जाता है। तो उससे भी आप इजीली कर सकते हो। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहो। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो कैसे ईजीली होल कर सकते हैं। अगर प्लाई का जो प्लाई होल करने का पाना आता है वो हर एक साइज़ का आता है, 100 इंच का, तो एक बार में होल हो जाएगा। तो मेरे पास वो पाना है नहीं तो मैं ये फोर कटिंग पाना से होल कर रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो टैंक होल हो गया और टैंक कनेक्शन निप्पल में वाशर चढ़ा कर उसको फिटिंग कर देता हूँ और अंदर से चेक नट लगा दूँगा। दोस्तों बाहर से टैंक कनेक्शन निप्पल ऐसा फिटिंग होने के बाद में अंदर से उसका जो नट और वाइसर आता है टैंक कनेक्शन निप्पल के साथ में वो फिटिंग कर देना है तो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। प्लम्बिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आप लोग इंस्टा पर देख रहे हो तो मुझे फॉलो करो, आप लोगों के साथ में मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा। दोस्तों मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। गुड बाय यारो।